जांच तो होगी, लेकिन जांच ये भी होगी कि जेएनयू का ये जहरीला वातावरण जिसमें भारत विरोधी दंगे नारे, जिसमें शहीदों का अपमान, जिसमें आतंकवादियों का महिमामंडन, तो जांच तो होगी। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उसका एक तरीका है। उसके विपरीत जो जाएंगे तो उसकी भी सरकार जांच कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कांग्रेस के हाथ कितना बिक गए हैं वो, ये उनका ये बयान पर्याप्त है। कांग्रेस में जाते ही वो देशभक्ति और कम से कम अपने पिताजी ठाकरे साहब को तो याद रखें, जिनका वो ब्लड है, जिन्होंने कहा था कि यदि 1 घंटे के लिए कश्मीर में हमारा राज हो जाए तो पीओके भी भारत में मिला देंगे। ये उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लालच में, जैसे कभी हिंदुस्तान के अंदर राजा आपस में लड़ते थे तभी तो हम गुलाम हुए थे, निश्चित रूप से खारिज करना भी चाहिए। ये किसी भी सूरत में इनको मृत्यु दंड के अलावा, और जल्दी से जल्दी हो, विलंब हो रहा है, इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और ये जो तथाकथित लोग कानून की आड़ लेके जैसे कभी रिट करेंगे तो कभी माफ़ी की मांग करेंगे, कभी राष्ट्रपति को अलग अलग भेजेंगे, तो ये कानून से खिलवाड़ करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ट्वीट करना, समाजवादी पार्टी का सरकार को बयान देना, समाजवादी पार्टी को मैंने पहले भी कई बार कहा कि आंदोलन करे, रैलियां करे, लोगों की भीड़ जुटाए, अगर उनकी बात सही है तो। अब वो उनके पास कहने सुनने को कुछ नहीं, लेकिन अब मीडिया है तो वो अपना बयान और ट्वीट जारी करते हैं। देखिए, हम पूरे देश के अंदर जो देश की तरक्की नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग सामने आ गए हैं इस कानून बनने के बाद। इसमें जो हिंसा कराई गई, हिंसा का समर्थन किया गया, उनके घर जाया गया, तो अब आम लोगों को ये बताना कि ये केवल और केवल झूठ है, ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और हम इसको 100% आम लोगों को सच्चाई बताकर विपक्ष की जो पोल है वो खोलेंगे। कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र विरोधी है ये पूरी दुनिया जान गई है। कांग्रेस पार्टी कभी शहीदों का अपमान करना, कभी सावरकर का अपमान करना, कभी भगत सिंह का अपमान करना, इन शिक्षण संस्थानों से अब आस लगाए बैठी है कि शायद यहाँ से कोई जो है क्रांति आएगी। मुझे याद है राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटीज़ में जाने का प्रोग्राम बनाया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, UPA 1, और राहुल गांधी जी जब गए तो लड़कों ने सवाल पूछे अपने देश के बारे में, तो राहुल गांधी जी ने वो कार्यक्रम निरस्त कर दिया।